बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एग्जांपल्स करेंगे, पिछली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुलियात या फार्मूले कवर किए थे जो कि एक्सरसाइज 4.6 पे दिए हुए थे। वो टॉपिक उन्होंने कुछ नहीं जिक्र किया था कि वो 4.7 है या क्या है, बस डायरेक्टली एटलीस्ट मेरी बुक में उसी तरह फार्मूले शुरू कर दिए। तो एनीवे वो फार्मूले हमने पिछली वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। अब उन फार्मूला से मुतल्लिका जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, और वो एग्ज़ाम्पल्स पेज 83 से शुरू होती हैं, तो वो हम करने लगे हैं। और ये टोटल चार एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में चार एग्ज़ाम्पल्स ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो से हम एक्सरसाइज 4.7 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो मिसाल नंबर एक है, ये पेज 83 पे है। ये कहते हैं कि 2a माइनस बी माइनस सी, इसको कुलिये की मदद से, फार्मूले की मदद से इसकी वैल्यू मालूम करें। तो आपको याद हो गए फार्मूले सारे अब तक, उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करें वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला है, जो कि कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब आप कहेंगे कि भाई ये फार्मूला तो ये प्लस वाली रकमों का है, प्लस का यहाँ तो माइनस वाली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फार्मूला आपको याद होगा, मैंने डब्बों का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एक डब्बा प्लस दूसरा डब्बा प्लस तीसरा डब्बा, तो ठीक है डब्बे की वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है ना। तो यहाँ पे इस डब्बे की वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी, और इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो उसके मुताबिक क्या है कि 2a का स्क्वायर 2a प्लस, अब ये फार्मूले के मुताबिक प्लस है और ये दूसरी रकम है, दूसरी रकम यहाँ माइनस बी है, तो मैं माइनस बी को ऐसे करके लिखने लगा हूँ। तो अगर मैंने ऐसे लिखा है तो ये ब्रैकेट में ज़रा बढ़ा देता हूँ, बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह प्लस माइनस सी, इनका जो स्क्वायर है वो बराबर है पहली रकम का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर प्लस सेकेंड रकम दूसरी रकम का स्क्वायर, वो है माइनस बी इसका स्क्वायर प्लस तीसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2a क्या है 2a, b क्या है माइनस बी प्लस 2b, बी वाली रकम क्या है हमारी माइनस बी, सी रकम क्या है माइनस सी प्लस 2a, a क्या है हमारी रकम 2a, और c क्या है माइनस सी। तो अगर मैं इसको खोल दूं तो ये ऐसे करके ही लिख सकते हैं इसे, इधर हमें कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा काम तो इधर ही हमारा। तो ये 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2bc, और ये माइनस इसके साथ मिलके माइनस रहेगा माइनस 4ac। तो जवाब चेक करते हैं एग्जांपल में, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2bc और माइनस 4ac, बस जवाब ठीक है, एग्जांपल हो गई आपकी। एक्सक्यूज मी, आप जो है वो दूसरी वाली एग्जांपल करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी ये 6 के बराबर हो, इसकी वैल्यू 6 हो, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इनकी वैल्यू 11 हो, तो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कीमत मालूम करनी है। आप देखें ये चीज़ें और ये चीज़ें, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो फार्मूला है वो स्क्वायर वाला। तो आपको फार्मूला भी हमने ये पीछे भी इस्तेमाल किया, ये वाला a प्लस बी प्लस सी, ये वाला फार्मूला ना ये इस्तेमाल होगा इधर भी। ये फार्मूला क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इसका जो स्क्वायर होता है ना वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac।
इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये टू कॉमन ले लूँ, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अब आप नोट कीजिए कि ये जो आपका फार्मूला है, इसमें आपने क्या ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इस चीज़ की कीमत आपके पास है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये इस चीज़ की कीमत है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इस चीज़ की आपने कीमत निकालनी है। तो मसला आपका तकरीबन हल हो ही गया। ए प्लस बी प्लस सी की कीमत क्या है? सिक्स। सिक्स स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी कीमत निकालनी है तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस टू, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी कीमत 11 बताई उन्होंने, तो ये 36 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 22। इसको उल्टा करके लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 22 बराबर है 36 के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 36 माइनस 22 के, जो कि गालबन 14 आता, तो आपका जवाब आ गया। बहुत ही आसान था सवाल, ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल में वो कहते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इनकी कीमत निकालनी है जबकि एक्स वाई बराबर है 8 के और एक्स प्लस वाई बराबर है 5 के। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है ना, किसी कीमत निकालनी है तो क्यूब वाला फार्मूला होगा, और ये सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स वाला क्यूब। तो फार्मूला जो है वो देख लेते हैं, ये जी फार्मूला है आपको जो मैंने लिखवाया था वो था ए प्लस बी का क्यूब बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। और इस फार्मूले को सिंपल करके ऐसे भी लिखते हैं, 3 ए बी कॉमन है ना इनमें से, 3 ए बी आप निकाल लें तो ए प्लस बी बाकी बचता। तो इस फार्मूले को आप जहन में रखें, ठीक है। इस फार्मूले में आप देखें, आपने कीमत निकालनी है इस चीज़ की, ठीक है, एक्स वाई या ए बी, ये आपके पास है। उन्होंने सवाल में एक्स वाई लिखा है, फार्मूले में ए प्लस बी था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता आपको, आई एम श्योर कि अच्छी तरह पता होगा। इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू उन्होंने 5 दी हुई है, और इसी चीज़ की वैल्यू यहाँ दोबारा उन्होंने 5 दी हुई है, तो बाकी तो कुछ भी सवाल नहीं रह गया। वैल्यू डाल दें, 5 का क्यूब बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, भी हमने मालूम करना, और 3 ए बी की वैल्यू क्या है? 8। ए प्लस बी की वैल्यू यानी कि एक एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 5, तो ये 125 आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 120। इतने 8 को 5 से दें 40 आएगा, 40 को 3 से करें 120 आ जाएगा, ये मैंने 120 लिखा है, तो 125 माइनस 120, इसको मैं उधर ले गया हूँ, बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, तो ये क्या आता है? 5 बराबर है, थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी है, मैंने गड़बड़ ये की है कि मुझे यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं लिखना था, बल्कि मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखना था, क्योंकि जो हमारा जो गिवन वेरिएबल है ना सवाल में, एक्स और वाई है, तो एक्स वाई। तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूँ, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की कीमत क्या आ गई? 5। ये आपका हल हो गया। मुझसे मुमकिन है कैसे सवाल करते हुए कुछ गलती हो जाए, फिर और मैं थोड़ी देर बाद जाके अपनी गलती ठीक करूं, तो आप जब देख रहे होंगे आप मे भी थोड़े से कभी कंफ्यूज हो जाएं, तो थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, आगे जाके इंशाल्लाह मैं ठीक कर दूंगा। और बाज़ मैं जानबूझ के दोबारा से वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि आफ्टर ऑल
गलती भी जो है ना एक लर्निंग प्रोसेस होता है, गलती को देखना और बल्कि दूसरे की गलती पकड़ना भी एक लर्निंग प्रोसेस होता है। तो बास का थोड़ी सी गलती होती है मैं छोड़ देता हूँ और उस सवाल को दोबारा नहीं करता, अगर मुझसे बहुत ज़्यादा गलत हो जाए तो फिर मैं वो खैर दोबारा से करता हूँ, फिर शायद आपको पता भी ना चले क्योंकि वो वीडियो दोबारा से नए तरीके से बनी होगी। अब कम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें वो कहते हैं कि जनाब आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब प्लस सॉरी माइनस है 3xyz इसकी कीमत मालूम करनी है, जबकि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर बराबर है 77 के और एक्स प्लस वाई प्लस जी बराबर है 15 के। अब वो फार्मूला जिसके अंदर ये चीज़ें इस तरह लिखी हुई आती हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz, वो ये है फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब। मैंने फार्मूले को एक्स वाई जी की फॉर्म में लिखा है माइनस 3xyz बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। कभी मैंने जी इस तरह लिखा, इस तरह लिखा है, आइंदा से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंट रहूँ। माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमारे पास ये चीज़ हमने मालूम करनी है, ठीक है, अननोन है एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये उन्होंने दिया हुआ और ये 15 है। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर ये भी उन्होंने दिया हुआ, ये 77 है। ये चीज़ नहीं है हमारे पास, नहीं है ना, इसको ऐसा लिखता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम ये हमें पहले से निकालनी पड़ेगी किसी तरह, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसकी बेस पे, और उसके बाद फिर हम उसको इस फार्मूले में डालेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि ये चीज़, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, ये चीज़ और ये चीज़, ये कौन से फार्मूले में इकट्ठे आते हैं? ये जनाब आते हैं इस फार्मूले में एक्स प्लस वाई प्लस जी, इनका अगर आप स्क्वायर लें तो बराबर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz में। अब इस फार्मूले में देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ये आपके पास है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जी ये भी है, और आपने एक्स वाई वाई जी और एक्स जी इसकी कीमत निकालनी है। ये हम निकाल लें यहाँ से, तो इस वैल्यू को फिर हम यहाँ इस फार्मूले में डाल देंगे। तो हमें फ़िलहाल ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो इस फार्मूले की रूह से क्या होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू क्या है 15, 15 स्क्वायर का बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये 77 के बराबर है, प्लस ये इनका 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस 2xz, ये 225 आ गया, ये 77 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस 2xz। 77 को उधर लेके जाऊंगा तो 225 में से 77 माइनस कर दें ये 8 आ गया, यहाँ पे 11 में से 7 निकाले 4, 148, सॉरी यहाँ पे अब आएगा सिर्फ 2, 2 इंटू एक्स वाई वाई जी प्लस एक्स जी। अब 2 को इससे कैंसिल करूँगा तो ये 74 आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी एक्स वाई वाई जी एक्स जी की, एक्स वाई वाई जी एक्स जी की। आई नो कि यहाँ पे माइनस माइनस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस बाहर निकाल सकते ना, असल चीज़ तो ये है। तो इस वैल्यू को अब मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ जी
इस फॉर्मूले के लिए, इसके लिए, तो उसमें मैं डालता हूँ जब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जी, ये तो मुझे मालूम करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जी मुझे मालूम करना है, और दूसरी तरफ एक्स प्लस वाई प्लस ये 15 है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर ये जनाब आपका 77 आता दिया हुआ, ये चीज़ से मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, बाकी अंदर एक्स वाई वाई जी जी एक्स बचता ना, एक्स वाई वाई जी प्लस जी एक्स, ये मैं एक खाम का एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि ज़रा क्लियर रहे, ठीक है, तो ये बराबर आता है 15 इंटू 77 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने 74, तो 15 को 77 में से 74 निकालें 3, तो ये आंसर आ गया 45, तो ये आपकी गिवन वैल्यू, सॉरी गिवन नहीं बल्कि जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो आ गई। तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल थी कि इसमें जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसके लिए जो फार्मूला है उसमें सारी की सारी चीज़ें आपको नोन नहीं हैं, तो उसके लिए आपको कोई और फार्मूला पहले इस्तेमाल करना पड़ा था, उससे आपने फिर इसकी सारी चीज़ों की वैल्यू निकाल ली और इसके बाद इसमें डाली तो आपका ये जवाब आ गया। ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल थी। तो इसके साथ ये वीडियोज़, ये जो वीडियो है इसमें सारी एग्जाम्पल्स कवर हो गई हैं। अब इंशाल्लाह अगली वाली वीडियो से हम एक्सरसाइज 4.7 शुरू करेंगे जो कि पेज 85 पे है। अस्सलाम वालेकुम।